बदलते और विकसित होते भारत की छवि में ये तस्वीरें किसी बदनुमा दाग से कम नहीं हैं। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कूड़े कचरे को ठिकाना लगाना बड़ी समस्या बन चुका है। हमारे देश में हर साल 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें उद्योगों से, घरेलू कामकाज से और कृषि इत्यादि से उत्पन्न होने वाले कूड़े का सही उपयोग न होने की वजह से ये गंदगी के ढेरों में तब्दील होता जाता है और प्रदूषण का कारक बन जाता है। कुछ वर्षों पहले तक शहरों से उठाए गए कचरे को शहर की सीमा से बाहर आबादी से दूर डंपिंग ग्राउंड पर खुला फेंक दिया जाता था, जिससे ये प्रदूषण और बीमारियों को जन्म देता था। देशवासियों को इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन का मास्टर प्लान तैयार किया है, ताकि कूड़े को एक समस्या नहीं बल्कि संसाधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि इस बात को सुनकर कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर कूड़े कचरे को संसाधन के रूप में कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए पहले हमें समझना होगा कि हमारे घरों में कितने प्रकार का कूड़ा उत्पन्न होता है। घरेलू कचरे के प्रकार। जैविक कूड़ा। जैविक कूड़े को बायोडिग्रेडेबल यानी गीला कचरा भी कहा जाता है, जैसे सड़े गले फल सब्जियां, छिलके और रसोई घर से संबंधित अन्य कचरा, पशु अपशिष्ट, खेतों में अर्जित खरपतवार और फसल अवशेष इत्यादि। सूखा कचरा। घरेलू इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक की खाली बोतलें, थैलियां, गत्ते के डिब्बे, कागज, पुराने अखबार, कांच, धातु और लकड़ी का टूटा फूटा सामान इत्यादि। घरेलू खतरनाक कचरा। डायपर, नैपकिन, कीटनाशक, जहरीले केमिकल्स, पेंट, ग्रीस और सफाई इत्यादि के इस्तेमाल में आने वाले केमिकल, पुरानी बैटरी इत्यादि। अब आपको बताते हैं कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट यानी कूड़े को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है। दरअसल सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जिसके तहत घरों से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के कूड़े कचरे को तीन अलग अलग भागों में बांटा जाएगा और उसे अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा। फिर इसका उपयोग अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत किया जाएगा, जैसे कचरा प्रबंधन के तरीके। गीले कचरे का उपयोग बायोगैस बनाने और ऊर्जा निर्माण के लिए किया जा सकता है। वहीं सूखे कचरे को रिसाइकल यानी शोधित कर उससे नए सामान बनाए जा सकते हैं। और खतरनाक घरेलू कचरे को विभिन्न केमिकल और फिजिकल प्रक्रियाओं के तहत दोबारा इस्तेमाल योग्य बनाने या इसे गलने योग्य बनाया जाता है, ताकि ये प्रदूषण ना फैला सकें। ऐसा करने से न सिर्फ कूड़े कचरे का सही ढंग से प्रबंधन होगा, बल्कि देश की जनता को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। कचरे से ऊर्जा का निर्माण होगा, पर्यावरण में सुधार होगा और विकास में भी सहायता मिलेगी। इतना ही नहीं, इस नई पहल के पीछे सरकार ने कचरा बीनने वालों को भी आर्थिक तौर पर मजबूती देने का बीड़ा उठाया है। जी हाँ, सरकार ने नगर पालिकाओं और शहरों के अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को अपनी कचरा प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय नीति के माध्यम से नए अनौपचारिक क्षेत्र को अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल किया गया है। भारत में 15 लाख से अधिक अनौपचारिक कचरा बीनने वाले हैं। इन सभी लोगों को कचरा प्रबंधन सिस्टम में शामिल कर बेहतर आय के अवसर दिए गए हैं। साथ ही शहरों में सार्वजनिक जगहों पर कचरा जलाने या फेंकने वाले लोगों पर स्पॉट फाइन लगाने का भी प्रावधान है। कचरा प्रबंधन प्रणाली को और ज्यादा कारगर बनाने के लिए सरकार ने मूलभूत ढांचे में भी बड़े बदलाव किए हैं, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गीला और सूखा कचरा फेंकने के लिए सार्वजनिक जगहों पर हरे और नीले रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बड़े कूड़ा घरों से कचरे को इकट्ठा करने और इसे कचरा प्रबंधन प्लांट तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, गांव हो या शहर, हर तरफ जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि लोग जिस कूड़े को गंदगी समझकर इधर उधर फेंकते हैं, वो इसे एक संसाधन के रूप में अपनाएं और इसका सही ढंग से प्रबंधन करें। ये जरूरी है कि हर परिवार अपने घर से ही कचरा प्रबंधन की शुरुआत करे। अगर हमें सही जानकारी है तो ऐसा करना बहुत आसान है। कैसे करें घरेलू कचरा प्रबंधन? रसोई घर में एक अलग कूड़ेदान रखें।
इसमें रसोई का कूड़ा इकट्ठा करें, जैसे फल सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन, चाय पत्ती इत्यादि। इस गीले कचरे का इस्तेमाल हम जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं, जो हमारे खेत क्यारियों और फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच और कागज को विभाजित कर अलग अलग प्रकार के कचरे को हर हफ्ते रिसाइकलिंग केंद्रों पर भेजें। ऐसे करके हम कूड़े से भी मुनाफा कमा सकते हैं। सैनिटरी वेस्ट जैसे डायपर, नैपकिन, टॉयलेट पेपर और पैड के लिए बाथरूम में अलग कूड़ेदान होना चाहिए। ऐसे कचरे को लैंडफिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कचरा इकट्ठा करने वाले इन तीन तरह के कचरे को अलग अलग इकट्ठा कर इसे इसके ट्रीटमेंट डिस्पोजल प्लांट पर ले जाएं, ताकि एक जगह पर इकट्ठा कर विभिन्न प्रकार के कचरों का प्रबंधन किया जा सके। अब तो आप समझ गए होंगे कि कचरा प्रबंधन हमारे लिए कितना उपयोगी है और कहीं ना कहीं ये आने वाले कल की जरूरत भी है। तो आज से हम भी ये संकल्प लें कि बजाय कूड़े को यहां वहां फेंकने के, इसे समेट कर रखेंगे और देश को स्वच्छ रखने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। स्वच्छ देश की जिम्मेदारी अब सबकी है भागीदारी।